पिछले दिनों मैंने पुलिस के सभी अधिकारियों के साथ करीब 1.5-2 घंटे की बैठक की थी, इसमें मंथन किया था, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कोरेक्स का उपयोग बहुत ही खतरनाक होता है, मनुष्य का शरीर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, बच्चों में इसका प्रचलन बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है, समय समय पर ये आवाज़ सभी के द्वारा उठाई जाती रही है। तो इसको समाप्त करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि कोई कसर न छोड़ें, सीमा से कोई भी कोरेक्स यदि आता है तो उसको रोकें। तो फिर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यूपी में जो अपना NDPS एक्ट है उसका कोरेक्स जैसी दवाई में उपयोग नहीं होता है। तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात करके उनको उस बात को बताया और हमने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में NDPS एक्ट के तहत कोरेक्स अवैध रूप से रखने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है, उनकी 6-6 महीने 1-1 साल जमानत नहीं हो पाती हाई कोर्ट से भी, और सज़ा भी 10 वर्ष से ज़्यादा होती है। तो NDPS एक्ट में यदि अवैध रूप से कोरेक्स जैसी नशीली दवाओं को रखने का यदि कोई पकड़ में आता है तो उस पर उत्तर प्रदेश में भी एक्ट के तहत कार्रवाई हो। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, मुझे आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से अब विंध्य के सीमा पर भी उत्तर प्रदेश के जिलों से आप निश्चिंत रहें और कोई भी उस प्रकार के अवैध जकीरा आपके जिलों में प्रवेश नहीं करेगा।